झारखंड सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग बिल को पास कराने के लिए सदन में पेश किया गया था, जिसे राज्यपाल के द्वारा उसे कुछ त्रुटियां बताकर बिल को वापस कर दिया गया, जिस पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा के ऊपर आरोप पर आरोप जड़ दिए। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर राजभवन चल रही है। उन्होंने भाजपा को हर चीज पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। यह सब बातें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक वीडियो जारी कर कहा। वहीं बोकारो से भाजपा विधायक विरंची नारायण ने राज्यपाल के इस फैसले का स्वागत किया। भाजपा के मुख्य सचेतक सह बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने भाजपा की मांग पर मुहर लगा दी है। भाजपा लगातार इस बिल का विरोध कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदुओं को दुखी करने के लिए इस कानून को लाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर भी चेते और दोस्तपूर्ण बिल को वापस ले लें, ताकि विराट हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इस तरह का कानून लाने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के जारी बयानों के ऊपर कहा कि वह एक जोकर है और जोकर की बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता हूँ। युवाओं को पीट पीट कर मार दिया गया, अल्पसंख्यक दलित आदिवासी भाइयों को पीट पीट कर मार दिया गया, और जो मारने वाले को संरक्षण भाजपा ने दिया, ये गवाह है। और हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग मॉब लिंचिंग को रोकेंगे, हम लोग और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। इसको देखते हुए सदन में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मॉब लिंचिंग कानून लाया और हम लोगों ने उसको पास कराया। उसके बाद जब ये कानून बना तो हम लोगों ने महामहिम के पास इसको पारित करने के लिए हम लोगों ने उनके पास भेजा, लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का कि महामहिम ने मॉब लिंचिंग कानून को वापस कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ महामहिम से कि आप एक संवैधानिक पोस्ट में हैं और मॉब लिंचिंग जनता के हित में बना है, तो क्या सारी संस्थाएं क्या भाजपा के इशारे पर काम करेंगे, केंद्र के इशारे पे काम करेगी क्या? ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर से मैं कहूंगा, बीजेपी वाले से मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से इतना अस्तर आप लोग मत गिराइए। हर समय विरोध नहीं, मॉब लिंचिंग कानून बना है, बन के रहेगा। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, कम से कम महामहिम का सहारा मत लीजिए आप लोग। महामहिम जी एक संवैधानिक पोस्ट में है। मैं फिर से मैं महामहिम से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार कीजिए और इसको बहुत स्ट्रिक्टली मैं कहूंगा कि झारखंड में लागू कीजिए। और भाजपा को कहूंगा कि कम से कम हर चीज में राजनीति मत कीजिए। ये बीजेपी वाले लोग हत्यारे लोग हैं और इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको सजा ना मिल जाए। याद होगा आपको, जो मॉब लिंचिंग के हत्यारों को ये भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने माला पहनाया, ये बीजेपी के लोगों ने उनको मदद किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने हथियारों को सपोर्ट करने का काम किया। ये हमारी सरकार में नहीं चलेगी, हमारी हेमंत सोरेन की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार। महामहिम राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो मांग करते रही उस पर अपना मुहर लगाया। हम तो पहले से कहते रहे कि ये जो मॉब लिंचिंग बिल सरकार ने लाया है, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदुओं को दुखी करने के लिए, ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मॉब लिंचिंग बिल लाया। राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि इसमें बहुत खामियां हैं, इसको वापस करता हूँ। अभी भी सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार चेते और इस प्रकार का दोषपूर्ण बिल ना लाए, जिससे विराट हिंदू समाज की भावनाएं आहत हों। कांग्रेस तो इस बिल के पक्ष में है, वो तो लाना चाह रही है। तो कांग्रेस स्वाभाविक रूप से, जो कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान है आज के डेट में, और वो चाहते हैं कि ये बिल आएगा तो जो मुस्लिम समाज है वो खुश होगा। तो मॉब लिंचिंग, अगर तबरेज का मॉब लिंच की मौत होगी, हत्या होगी भीड़ के द्वारा, तो वो मॉब लिंचिंग है। और अगर संजू प्रधान की मौत होगी या रुपेश पांडे की मौत होगी तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। तो सरकार का जो ये दोगलापन है, सरकार की जो दोगली नीति है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस के एक विधायक है जो कह रहे हैं कि राजभवन जो है कि केंद्र सरकार और भाजपा के सारे पीछे। कौन विधायक है वो? इरफान अंसारी। वो जोकर हैं और जोकरों के बात पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता।